एक बात आपके बीच में कहां से कि जब वो श्री कृष्ण भगवान उन कौरवों से निकल लागे रख, ये भी तेरे भाई हैं, ये पांडु हैं, इनके साथ दगा मत करो, इनको भी जो हिस्सा से वो दो, ये भी थारे भाई से। पंडित जी ने बताया कि वे भाईपन, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू धर्म के वासी हैं। पंडित जी ने बताया कि वही भाईचारा क्या होता है, एक बात के द्वारा किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान उन कौरवों को समझाते हैं कि भाईचारा क्या होता है। वही बात से आम काम गुठलिया का दाम, किस्सा की भी बात और हमारे समाज के लेवल की बात, कैसे पांडव भी तेरे भाई से, क्या करते हैं? कदे टड़ा नहीं करते, पहली कली मंजू बताया के गृहस्थी जीवन जीने के लिए इंसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहली बात में किस प्रकार से क्या कहा। नहीं करते
भाई की आप शकर में हो तो दया नहीं करते, ये हमारी बात किस समय की कि वो पांचों पांडव जुए में हार जाते हैं। रात में गांधारी को सपना आता है, दूसरे दिन अपने बेटे दुर्योधन ने बुलाकर नुक्कड़ लग रहे दुर्योधन ने कि हम कि भाई इस लड़ाई को बंद कर दे, इसमें कोई नहीं बचेगा। लेकिन बताते हैं कि राज हटपाल हट त्रिया हट, ये अपने हटपाजा तो मानस नेपाल बरोबर बना सकते कि क्या बात होगी कि भाई रात को मेरे को सपना आया और ऐसा शुभ सपना आया कि भाई कुछ भी नहीं बचेगा, इस लड़ाई की टाल कर दे। लेकिन वो मानना नहीं, वो गांधारी उसको सपने की हकीकत बताती है और क्या करती है क्या बता दिया। पड़े पांचों भाई जो भाई मेरा एक कुत्ता आके आके कैल द्रौपदी की दाई कैल द्रौपदी की दाई पड़के समुंदर भी नजर आया समुंदर भी नजर आया चलते चलते कई द्रौपदी ईश्वर की पर बल माया चलते चलते राखी द्रौपदी ईश्वर की पर बल माया ईश्वर की तू आई पर तू आई एक कुत्ता आके आके कैल द्रौपदी की दाई कैल द्रौपदी की दाई उत्तर से पश्चिम की दिशा में चाल पड़े पांचों भाई एक कुत्ता आके आके कैल द्रौपदी की दाई कैल द्रौपदी पृथ्वी के ऊपर इतना अनमोल चोला लिया कि 84 लाख योनि में घुस कर इंसान का चोला मिलता है।
लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग इच्छा होती है। ये आशा तृष्णा रगड़ा जग में तृष्णा नारी नारी ध्यान सुन आलो सुन लो बात हमारी। ये नारी नारी दुनिया सारी नारी नारी दुनिया सारी नारी नारी सबकी आस जिस मानस की जिसी आत्मा उस मानस की वैसी दास। नहीं एक सी भूख जगत में नहीं एक सी होती प्यास। पप्पूचा वह तेरा बेटा पट का थानेदार हो जा। वो बेटा चा वह बुड्ढा जल्दी टिकट कटागत तैयार हो जा। मैं न्यारा होकर बोला धन कर लूंगा मेरा घर की मोटर कार हो जा। एक मान्यू सोचा मेरी बेटी बट्टी घरा कमारी अति से बढ़िया परिवार में इसका रिश्ता हो जा। एक मान्यू सोचा मेरी बेटी बट्टी घरा कमारी आशा तृष्णा रगड़ा जग में। ये मेरे बड़े भाई भाई गोलिया दूध या 51 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद लोगों। इस दुनिया के अंदर जोड़े बनाए रात दिन सुख दुख लाभ हानि लेकिन वो कर्मों के अनुसार होती है। दूसरी कली में कवि ने बताया कि भाई काग के पास अगर हंस बैठेगा तो सोब्या ना दे। दूसरी बात में किस प्रकार से पंडित जी ने क्या कहा क्या समझा दिया भला। जो करता उनकी इज्जत थोड़ी उनकी इज्जत थोड़ी चीज सम बिन सुनी धरती वीर और घोड़ी घोड़ी हर तेरे बोला की चोट इसी जड़ू घर कह गया थोड़ी पूछा कि भाई इसका क्या कसूर था कि इसने ऐसी मृत्यु आई। बोला भाई हम हमारी माता का पांच थे लेकिन अर्जुन के प्रति हमेशा इसको पक्षपात रहता था जिसका इसने आज दंड भरा। नंबर दो पर क्या लिखा किसके से कैसे सच्ची
अर्जुन के प्रति पक्षपात था जिसका इसने दंड भरा। फिर थोड़ी सी दूर जाके सहदेव भी नीचा जाय गिरा और जाय गिरा। भीम ने पूछा हे धर्म पुत्र कहा ज्ञान का घमंड करया कहा ज्ञान का घमंड करया। घमंड के कारण मरो हिरणा कुसे घमंड के कारण लड़का राजा अन्यायी और अन्यायी के पुत्र गुरु की सेवा करेगा अपने माता पिता की सेवा करेगा हमेशा फला फूलेगा। तीसरी कली में बताया कि भाई जो पब्लिक बनाती है किसी नेता को या सरपंच को या किसी नंबरदार को वह प्रजा उसको चुनती है तो उसको यह जरूर सोचना चाहिए कि यह प्रजा तेरे को सुनती है तो तन काम भी करना है। हमने सौभाग्य की बात किसी भाई ने हमें बताया यहाँ पर पहुंचे कि भाई दिवाड़ा गांव के अंदर सरपंच साहब बहुत बढ़िया इंसान है। जो प्रजा होती है चाहे कोई भी नेता हो कोई भी सरपंच हो कोई भी गाने वाला हो कोई भी पहलवान हो उसके लिए वो भगवान के रूप में होती है। जो भगवान के रूप में होती है तो उसको भी किसी प्रकार से वो फर्ज निभाना चाहिए। कवि ने बताया कि भी एक मौजूद आदमी होकर किस प्रकार से अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। तीसरी बात में किस प्रकार से पंडित जी ने क्या कहा क्या समझा दिया भला करते।
भाइयों ने पूछा कि भाई इसका क्या कसूर था। नोला भाई एंकर जिस आदमी ने भी किया वो हमेशा खत्म हो गया। नंबर 3 पर क्या लिखा किस तरह से पैसे घमंड इसे था सदा किसे का रहा नहीं सदा किसे का रहा नहीं। फिर चलने पर अर्जुन गिर गया मृत्यु न करी दया नहीं दया नहीं। भीम ने पूछा हे धर्म पुत्र कहा ज्ञान का घमंड नहीं अपमान करया इनारे अपमान करया इनारे चलू धरो का अपमान करया इनारे चलू धरो का। तेरा धर्म पुत्र ने बतलाई और बतलाई एक कुत्ता आके आके के लिए आता है अपने भोग भोगने के लिए आता है कि जैसा कर्म करे देधारी वैसा है फल पाता है। कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। एक दरबारी का और इस गृहस्थी जीवन का क्या कर्म है अपनी अपनी एक अलग अलग इच्छा है इंसान की। आखिर कलयुग में पंडित जी ने कैसे क्या कहा क्या समझा दिया भला Hi.
भाइयों ने पूछा है भाई इसका क्या कसूर था। लो भाई राजा द्राक काम पांच सौ रहते थे, सम्मो ने बाण मारा पूरे करजोड़ को मूर्छित करके नेहरू के कपड़े उतार लिया था। कपड़े उतारना किसी के मूर्छित करके बोला सबसे बुरा काम होता है, जिसका इस नाटन भरा नंबर चार पर के लिखा किस तरह से कमर तू को जाओ तज कर धर्म पुत्र रह गया अत्यंता काल की मृत्यु जब खाओ ये जब खाओ ये जितने सांस बचे के पति तुले राम हरि गुण गाओ तुले राम हरि गुण गाओ ये राम कुवार रह मिल जा रही एक पुत्र